अमदावाद सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं में वधु एक पींछू उमरायु है। कोरोनाग्रस्त दर्दियों माटे अल्लायदु डायालिसिस केन्द्र कार्यरत करायु। कोरोनाग्रस्त दर्दियों खास करीने कोमोबिडिट अन्य कोई प्रकार की बीमारी धरावता दर्दियों ने खास प्रकार की सारवारनी जरूर पड़े छे। किडनी तकलीफ धरावता दर्दियों तेमां पण क्रोनिक किडनी फेलचोर धरावता दर्दीओने नियमित डायालिसिस कराववानी ताकीद जरूरियात ऊभी थाय छे। आवा दर्दीओनुं समयांतरे डायालिसिस कराववामां न आवे तो जीव टकावी राखवो मुश्किल बनी रहे छे। आ संवेदनशीलताने ध्याने राखीने डायालिसिसनी ताकीद जरूरियात धरावता दर्दीओने सरळताथी डायालिसिसनी सुविधा मळी रहे ते निर्धार साथे अमदावाद सिविल होस्पिटलमां अलायदू डायालिसिस केन्द्र ઊભું કરવામાં આવ્યું। કિડની ફેલ્યોર ધરાવતા કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓને હવેથી સંપૂર્ણપણે અલાયદી ડાયાલિસિસની વ્યવસ્થા મળી રહેશે। અમદાવાદ સિવિલની કોરોના ડેડિકેટેડ 1200 બેડ હોસ્પિટલના ત્રીજા માળે અલાયદા ડાયાલિસિસ વોર્ડમાં આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ 5 ડાયાલિસિસ મશીન કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે। અત્યાર સુધી ડાયાલિસિસની જરૂરિયાત ધરાવતા દર્દી कोरोना संक्रमित थईने ओपीडी में सारवार अर्थे आवता त्यारे तेमने सामान्य वोर्ड में दाखल करवा पड़ता हता। त्यारबाद आईसीयू में डायालिसिस कराववू पड़तुं हतुं। आ संपूर्ण परिस्थितिने ध्याने राखीने सिविल होस्पिटलने आ पहल ओपीडी में आवता कोरोनाग्रस्त दर्दियों माटे असरकारक निवडशे। आ डायालिसिस केन्द्र में एक साथ 5 दर्दीओ डायालिसिस करावी शकशे। डायालिसिसनी प्रक्रिया में शुद्ध पानी की खास जरूर पड़ती होय तेने ध्याने राखीने अत्याधुनिक आरओ प्लांटनी पण अलायदी व्यवस्था आ डायालिसिस वोर्ड में करवामां आवी छे। डायालिसिस में उपयोग में लेवाता तमाम उपकरणों और सुविधाओं आ वोर्ड में उपलब्ध करावामां आव्या छे। अत्रे उल्लेखनीय छे के कोरोना डेडिकेटेड 1200 बेड होस्पिटल में आ अगाऊ पण दर्दीओना स्वास्थ्य सुविधाओं माटे इन हाउस लेबोरेटरी देशनी सौप्रथम प्लाजामा बैंक देशनु सौप्रथम जीरियाट्रिक वोर्ड कार्यरत करवामां आव्यो हतो। हवे इन हाउस डायालिसिस वोर्ड कार्यरत करीने होस्पिटलनी स्वास्थ्य सेवामां वधु एक पींछू उमेरायुं छे। विशाल राजपूत, ZSTV, अमदावाद।